दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य के बारे में, जहां समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 पहिए हैं, जो सूर्य की किरणों से घंटे और मिनट का सही समय बताते हैं। एक समय 52 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थर की मदद से सूर्य देव की भव्य प्रतिमा हवा में झूलती थी। उस भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्या कारण है कि 120 वर्ष बाद भी आज तक वहां पूजा नहीं की जाती, और किसकी वजह से मंदिर को नुकसान पहुंचा, इस वीडियो के जरिए आप पूरा रहस्य जानेंगे। भविष्य पुराण और सांब पुराण के अनुसार इस मंदिर के अलावा उस क्षेत्र में एक और सूर्य मंदिर था, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसे 9वीं शताब्दी से पहले देखा गया था। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग का श्राप है। इससे छुटकारा पाने के लिए कटक आर्षि ने सांब को सूर्य देव की तपस्या करने की सलाह दी। कोणार्क सूर्य मंदिर में क्यों नहीं की जाती पूजा? भारतीय इतिहास पर नजर डालने पर पता चलता है कि राजा नरसिम्हा प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 कारीगरों को नियुक्त किया था, जिसका निर्माण वास्तुकार महाराणा बिसु के निर्देशन में किया जाना था। राजा नरसिम्हा ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित किया था। इस निश्चित समय 12 वर्ष के भीतर मंदिर का कार्य पूरा करना था, अन्यथा राजा सभी कारीगरों को मृत्युदंड दे देते थे। समय बीतता गया लेकिन मंदिर पूरा नहीं हो सका। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, मंदिर का निर्माण कार्य हो ही रहा था, समय बीतता गया, मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था और केवल मंदिर के मुख्य पत्थर का काम ही बाकी रह गया था। 12 साल पूरे होने में अभी 6 महीने बाकी थे और मंदिर के मुख्य पत्थर की स्थापना का काम चल रहा था। समय बीतता गया और अब मंदिर के मुख्य पत्थर की स्थापना का काम किया जाना था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी सभी कारीगर मंदिर की मुख्य चट्टान को स्थिर नहीं कर पाए। धीरे धीरे समय करीब आने लगा और सभी कारीगर और महाराणा बिसु गहरी सोच में पड़ गए। कोणार्क मंदिर के रोचक और अनसुलझे रहस्य इतिहास बताता है कि मंदिर के पास समुद्र और नदी मिलते थे। यह भी पुष्टि होती है कि मंदिर के पास कोणार्क नमक बंदरगाह था। मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला की शैली में किया गया है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि मंदिर में लगे विशाल चक्र में सूर्य की हर गति की सटीक भविष्यवाणी होती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान दोनों पत्थरों के बीच एक लोहे की प्लेट रखी गई थी। मंदिर का निर्माण एक ही प्रकार के सैंडस्टोन ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित करके बनाया गया है। मंदिर में भगवान सूर्य का काल्पनिक रथ प्रदर्शित है, जिसमें कुल 24 पहिए और 8 घोड़े हैं। मंदिर में बने प्रत्येक पहिए का आकार 10 फीट व्यास का है। पहियों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वे समय का सही पूर्वानुमान बताते हैं। मंदिर के रोचक तथ्य: मंदिर की मुख्य चट्टान के ऊपर 22 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जिसने मंदिर की मजबूती बनाए रखने में मुख्य काम किया। मंदिर में स्थापित सूर्यदेव की भव्य मूर्ति लगभग 8 धातुओं से बनी थी, जो मंदिर में स्थापित चुंबकीय पत्थर के कारण हवा में झूलती थी। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की किरणें सबसे पहले सूर्यदेव के मुख्य मंदिर के द्वार से सीधे मंदिर में प्रवेश करती थीं, जो मंदिर के परागण में बने नट मंदिर से होकर गुजरती थीं, जिसे आज भी देखा जा सकता है। कोणार्क मंदिर के क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या है? मंदिर को तोड़ने के पीछे कई तथ्य सामने आते हैं, जिनमें प्रमुख हैं बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी। ऐसा कहा जाता है कि सुलेमान खान कर्रानी 1508 के आसपास भारत के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहा था, जिसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर भी शामिल था। सुलेमान खान कर्रानी, जिन्हें काला पहाड़ या काली पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, सूर्य मंदिर के निर्माण का पूरा रहस्य जानते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर की मुख्य चट्टान में लगे चुंबकीय पत्थर को हटा दिया था, जिसके कारण मंदिर स्वयं ढहने लगा। कुछ समय बाद हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया, लेकिन मंदिर में लगा 52 मीट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर 2 भागों में टूट गया, जिसका एक टुकड़ा गायब था। इसके चलते मंदिर की शिला पर आधा टुकड़ा ही रखा जा सका। मंदिर में लगे चुंबकीय पत्थर के आधे टुकड़े के कारण समुद्र में गुजरने वाले जहाजों का संतुलन बिगड़ गया और वे समुद्र में डूबने लगे। घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उस समय के पुर्तगाली व्यापारियों ने उस चुंबकीय पत्थर को निकाल लिया। कोणार्क सूर्य मंदिर की खोज कैसे हुई? भारतीय इतिहास से पता चलता है कि उसके बाद कलिंग उड़ीसा मुसलमानों के नियंत्रण में आ गया, जिससे डरकर पंडितों ने मंदिर सहित सभी मूर्तियों को रेत में छिपा दिया और सूर्य मंदिर की भव्य मूर्ति को अपने साथ ले गए।
कहा जाता है कि मंदिर के रेत में छिपने के बाद यह जगह एक टीले और जंगल में तब्दील हो गई थी। लेकिन साल 1900 के आसपास जब अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कोराजन व्यापार की तलाश में उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें यहां 300 साल पुराना एक मंदिर मिला। इस जगह मंदिर के अस्तित्व का रहस्य तब खुला जब लॉर्ड कर्जन ने अन्य ब्रिटिश खोजकर्ता अधिकारियों के निर्देशन में मंदिर को रेत रेत से बाहर निकाला तो 229 फुट के विशाल मंदिर को देखकर सभी ब्रिटिश अधिकारी हैरान रह गए। जैसे जैसे मंदिर के चारों ओर की रेत हटाई जा रही थी वैसे वैसे मंदिर से संबंधित कलाकृति के हिस्से मिलते जा रहे थे। रेत और रेत पूरी तरह से हटा दिए जाने के बाद मंदिर का क्षेत्रफल 855 फीट लंबाई और 540 फीट था, फिट चौड़ा था। मंदिर की भव्यता को देखकर अंग्रेजों ने मंदिर की मरम्मत करवाई। हालांकि मंदिर के अवशेषों के लगातार गायब होने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर को होने वाले नुकसान के कारण गवर्नर जॉन एडवर्ड ने मुख्य कोणार्क सूर्य मंदिर को चारों तरफ से सभी दरवाजे बंद कर दिए ताकि मंदिर सुरक्षित रहे, और फिर भी यह दोबारा कभी नहीं खुला।